हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। दिस इज़ अवर यूट्यूब चैनल तैयारी बिगनर्स की। आज है 20 फरवरी 2020। आज का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स विद स्टैटिक जी के हम डिस्कस करेंगे। टुडे डिस्कशन टॉपिक पर डे की तरह रहेंगे, मोटिवेशन कोट, वन लाइनर न्यूजेस, डिटेल करंट न्यूज़ रहेगी, स्पेशल नॉलेज रहेगी और स्टेट रहेगा एक स्टैटिक जी के। डिस्कस करेंगे एग्जाम ओरिएंटेड 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स रहेंगे। तो वीडियो आपको पूरा वॉच करना है एंड तक, ओके। तो मोटिवेशन कोट देख लेते क्या है। हर छोटा बदलाव बड़ी कामयाबी का हिस्सा होता है। छोटे छोटे जो बदलाव होते हैं, बहुत ही माइनर जो भी बदलाव आप करते हैं, वो बहुत बड़ी कामयाबी का हिस्सा होते हैं। ऐसा नहीं है जैसे आपको ये लगता है कि आप इतना सब कैसे पढ़ सकते हो। ठीक है, मुझे पता नहीं पढ़ सकते, हम भी नहीं पढ़ सकते एक साथ सारा, पर आपने क्या किया कि थोड़ा सा पढ़ लिया, एक पेज पढ़ लिया आज, या आपने एक टॉपिक पढ़ लिया, फिर उसको तैयार कर लिया बहुत अच्छे से, फिर नेक्स्ट डे जो दूसरा टॉपिक था उसे तैयार कर लिया। इसलिए जोड़ते जोड़ते आप थोड़ा थोड़ा जोड़ते जोड़ते पूरा आपका सिलेबस तैयार हो जाएगा, और सिलेबस तैयार हो जाएगा तो आपका एग्ज़ाम पास हो जाएगा। एग्ज़ाम पास हो जाएगा तो आपकी जॉब लग जाएगी और आप सक्सेस हो जाएंगे। ठीक है, आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। इसलिए कुछ ना कुछ बदलाव करते रहिए और अपनी कामयाबी को हासिल करने के लिए आगे बढ़ते रहिए। वन लाइनर न्यूज़ देख लेते हैं क्या है। पहली न्यूज़ रहेगी इकोनॉमी से, अर्थव्यवस्था से। राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद द्वारा आयोजित अध्ययन के अनुसार कितने राज्यों के 76 जिलों में मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के 5 वर्षों में 170 मृदा परीक्षण प्रयोगशाला और 1700 किसानों को शामिल किया गया है। तो 19 राज्यों में ऐसा हुआ है जहाँ 19 राज्यों के जो 76 जिले हैं वह मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के 5 वर्षों में 170 मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं में 1700 किसानों को शामिल किया गया है। ओके, अब इस न्यूज़ को डिटेल में पढ़ने के लिए आपको वीडियो पूरा वॉच करना है। अंतर्राष्ट्रीय न्यूज़ देख लेते हैं। गांधीनगर में चल रहे कॉप COP 13 सम्मेलन में 2020 वर्ष किस विषय पर सुपर ईयर ऑफ घोषित किया गया है। तो जो 2020 वर्ष जो चल रहा है, इसे किस रूप में मनाया जाएगा, तो सुपर ईयर फॉर इन्वायरमेंट घोषित किया गया है। क्वेश्चन बन सकता है कि COP 13 सम्मेलन में 2020 को किस रूप में घोषित किया गया है, तो सुपर ईयर फॉर इन्वायरमेंट। ओके, गांधीनगर से आप समझ ही गए होंगे, गुजरात की बात हो रही है। गुजरात की कैपिटल होती है गांधीनगर। ओके, गुजरात के अगर CM पूछे जाएंगे तो आप बताएंगे विजय रूपानी, और अगर राज्यपाल पूछे जाएंगे तो आचार्य देवव्रत वहाँ पर राज्यपाल हो जाते हैं। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, अगले 3 वर्षों के लिए प्रवासी प्रजातियों पर परिषद के लिए पक्षीय सम्मेलन का अध्यक्ष कौन है। तो प्रवासी प्रजातियों पर परिषद के लिए पक्षीय सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा, उसका मेजबान देश या अध्यक्ष देश रहेगा भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शहर में रोड सेफ्टी ऑन अचीविंग ग्लोबल गोल्स 2030 पर तीसरा उच्च स्तरीय वैश्विक सम्मेलन आयोजित किया गया है। तो वो किया गया है स्टॉकहोम, स्वीडन में। स्वीडन की कैपिटल भी स्टॉकहोम होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 अरब दुनिया में पहला परमाणु संयंत्र 12 कहाँ, परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ है। तो उसमें से संयुक्त अरब अमीरात में जो है ये 12 कहाँ परमाणु संयंत्र है। अब जो 4 अरब दुनिया है, जो मतलब कि जो अरबी कंट्रीज़ हैं, उनमें से कहाँ पर है, तो वो है संयुक्त अरब अमीरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15 से 17 फरवरी को किस शहर में इंडिया सोलर एंड ई व्हीकल एक्सपो 2020 और राष्ट्रीय सौर परिषद 2020 का आयोजन किया गया। तो आयोजन किया गया था लखनऊ, उत्तर प्रदेश में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संस्थान को वर्ष 1920 के लिए डिजिटल परिवर्तन के लिए सरकारी प्रक्रिया सुधारने में उत्कृष्टता के लिए रौप्य पदक से सम्मानित किया गया है। तो जो इलेक्शन कमीशन आयोग है, मतलब कि भारतीय चुनाव आयोग है, इसे रौप्य पदक से सम्मानित किया गया है। ओके, और अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर पूछे जाएंगे तो वो हैं सुनील अरोड़ा जी, और इलेक्शन कमीशन पूछे जाएंगे तो सुशील चंद्र और अशोक लवासा जी जो हैं वो इलेक्शन कमीशन है, और चीफ इलेक्शन कमीशन पूछे जाएंगे तो सुनील अरोड़ा जी। व्यक्ति विशेष से बात देख लेते हैं, गो एयर हवाई सेवा कंपनी के नए मुख्य वाणिज्यिक अधिकारी कौन बने हैं। तो वो बने हैं प्रवीण अय्यर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय फार्मास्यूटिकल उत्पादन संगठन के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो KG अनंत कृष्णन को नियुक्त किया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने सेंट लुइस में केन्स कप शतरंज टूर्नामेंट 2020 जीता है? तो कोनेरू हम्पी ने ये टूर्नामेंट जीत लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2020 एशियाई युवा और जूनियर भारोत्तोलन प्रतियोगिता किस शहर में आयोजित की गई है? तो ये आयोजित की गई है ताशकंद में, जो कि उज्बेकिस्तान की कैपिटल हो जाती है, और भारत ने इसमें 5 रजत पदक जीते हैं और 6 कांस्य पदक जीत लिए हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, 2021 अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ जूनियर पुरुष विश्व चषक का मेजबान देश कौन सा रहेगा? तो वो भारत रहेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेंगलुरु ओपन 2020 में पुरुषों के लिए टेनिस एकल वर्ग के विजेता कौन बने हैं? तो वो बने हैं ऑस्ट्रेलिया के जेम्स डकवर्थ। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन हो जाता है ज्ञान विज्ञान से, फसल के कीटों से निपटने के लिए नया स्मार्टफोन ऐप कौन सा है जो स्मार्टफोन के कैमरे के माध्यम से टिड्डियों और टिड्डों के कीटों को पहचान सकता है और उनके GPS स्थान को दर्ज कर सकता है? तो इस ऐप का नाम है मैस्ट्रो। ओके, तो ये बहुत ही अच्छा रहेगा, जो फसल में कीट लगे होते हैं उनके लिए स्मार्टफोन है। इसके कैमरे के माध्यम से क्या होगा, जो भी टिड्डियाँ होती हैं, जो भी ग्रासहॉपर्स वगैरह कीड़े होते हैं जो फसल को नष्ट करते हैं, उनकी पहचान करेगा, और इसमें जो GPS होगा उसके उससे ये भी पता चलेगा कि ये जो टिड्डे हैं वो किधर लगे हुए हैं फसल में। ठीक है, अब जो भी न्यूज़ फॉर्म हुई उससे समान ज्ञान की बात करते हैं। मृदा स्वास्थ्य कार्ड की योजना की शुरुआत हुई थी 19 फरवरी 2015 को सूरतगढ़ राजस्थान से। भारत में 4 जैव विविधता हॉटस्पॉट हैं, पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट, इंडो म्यांमार परिदृश्य, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। दिल्ली पुलिस का गठन कब हुआ था? तो 1861 में दिल्ली पुलिस का गठन हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ की स्थापना कब हुई? 7 जनवरी 1924 को अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ की स्थापना हुई थी और मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में है। भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना अगर पूछी जाएगी तो 25 जनवरी 1950 में हुई, मुख्यालय नई दिल्ली में आपको मिल जाएगा। अब बात करेंगे डिटेल करंट न्यूज़ की। उससे पहले मैं आपको बता दूं, आप अगर पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा और ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए, जिससे जो भी वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और आप हमारे यूट्यूब के साथ साथ आप हमारे FB और इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। आप हमारे टिकटॉक और हेलो ऐप पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। शेयर चैट और ट्विटर पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। आप अगर डेली मोशन वेबसाइट यूज़ करते हैं तो वहाँ पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। हर जगह आपको हमारा जो अकाउंट है वो तैयारी बिगनर्स की के नाम से मिल जाएगा। ओके, एंड अगर आप रिवीजन करना चाहते हैं तो ऑडियो के लिए यहाँ पे तो आप ज़रूर फॉलो कर लीजिए, वहाँ से आपका बहुत बेनिफिट होएगा। खबरी चैनल पर तैयारी बिगनर्स की के सर्च कीजिए और वहाँ पर आप हमारा ऑडियो क्लिप सुन सकते हैं, जिससे क्या होगा, वीडियो देखिए और ऑडियो क्लिप से रिवीजन आपकी न्यूज़ का हो जाएगा। यहाँ से आपको स्टैटिक पोर्शन वगैरह सब मिल जाएगा, वहाँ से वर्क में आपको करंट अफेयर्स मिल जाएगा, जिससे आप क्या करेंगे कि जो भी आपका रिवीजन है वो तुरंत के तुरंत हो जाएगा। तो वहाँ पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं और वहाँ से ऑडियो क्लिप सुन सकते हैं। अगर आप PDF चाहते हैं क्लास की तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है लिंक, तो वहाँ से आप लिंक को ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ से आपको क्लास की PDF मिल जाएगी। ठीक है, अब बात करेंगे न्यूज़ की। असम 4 वर्षों की मतदाता सूची में जहाँ 15 दस्तावेज नागरिकता साबित नहीं कर सकते हैं। असम ने क्या किया कि जो 4 वर्ष की मतदाता सूची है उसमें ये 15 दस्तावेज नागरिकता साबित नहीं कर सकते हैं। लगभग 15 दस्तावेजों में 4 वर्षों की मतदाता सूचियां शामिल हैं, अर्थात स्थायी निवास, शादी में भाग लेने वाले ग्राम प्रधान से माता पिता की NRC निकासी प्रमाण पत्र, भूमि राजस्व भुगतान रसीदें, राशन कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक, इन सभी को भारतीय नागरिकता के प्रमाण पत्र के रूप में गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने अस्वीकार कर दिया है। ठीक है, असम में एक भारतीय नागरिक के रूप में माने जाने के लिए उन्हें या तो ये साबित करना होगा कि उनके पूर्वज असम समझौते की कट ऑफ तारीख 1971 से पहले असम में रह रहे हैं। तो अब असम के जो कोर्ट है उसने एक अपना ऑर्डर दे दिया है कि जो 15 दस्तावेज हैं, जैसे स्थायी निवास पत्र, शादी में भाग लेने वाले, तो ये सब चीज़ें वहाँ पर मान्य नहीं होंगी। आपको ये प्रूफ करना पड़ेगा, जब असम समझौता हुआ था तब आप के जो भी पूर्वज थे 1971 से पहले असम में रह रहे थे। ठीक है, तो ये बात है
तो अब वहाँ पे प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हो सकती हैं। वैसे भी CEA को लेकर काफ़ी विवाद चल रहा है। तो अब उसके बाद देख लीजिए, भारत की आयातित खाद्य मुद्रा स्फीति। तो जो भारत की आयातित खाद्य मुद्रा स्फीति है उसके लिए क्या किया गया है, तो देखो, संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन के खाद्य मूल्य सूचकांक प्रमुख खाद्य वस्तुओं की एक टोकरी की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में बदलाव का एक आधार अवधि 2002 से 2004 में, जिसमें जनवरी 2020 में 182.5 का आंकड़ा था, जो दिसंबर 2014 में 185.8 के बाद उच्चतम है। ठीक है, अब ये मुद्रा स्फीति है, इसमें आपको ये आंकड़ा याद रखना है कि जो 2020 में आंकड़ा है वो 182.5। ठीक है, अब खाद्य संगठन की बात हो रही है, तो पहले तो फूड एंड प्रोसेसिंग मिनिस्टर आपको पता होने चाहिए, तो वो है हरसिमरत सिंह बादल। ठीक है, और इनकी अगर कॉन्स्टिट्यूएंसी पूछी जाएगी, निर्वाचन क्षेत्र पूछा जाएगा, तो आप बताएंगे भटिंडा पंजाब, भटिंडा पंजाब। ओके, एंड अब FAO की भी बात कर लेते, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जो है ये कहाँ पर है, तो ये आपको मिलेगा, इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा रोम इटली में। इसको हमने कल भी बताया था, हेनरीटा H4 इसके अध्यक्ष हैं। 7 अप्रैल स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये सब बातें जो हैं वो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्थान का नाम बदलकर मनोहर पर्रिकर रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्थान कर दिया गया है। ठीक है, अब नेम अभी बहुत चेंज हो रहे हैं। अभी आपने देखा था प्रवासी वाला जो ऑफिस था उसका नाम सुषमा स्वराज कर दिया गया, फिरोजशाह कोटला स्टेडियम का नाम जो कर दिया गया था अरुण जेटली जी कर दिया गया था, अरुण जेटली स्टेडियम कर दिया गया था नई दिल्ली के अंदर। तो ये सब बातें जो नाम बदलने वाले क्वेश्चंस हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। मनोहर पर्रिकर के बारे में आपको पता ही होगा, ये इनकी डेथ हो चुकी है और ये पूर्व में गोवा के मिनिस्टर मुख्यमंत्री थे। ओके, CM थे, चीफ मिनिस्टर थे। तो इनके नाम पर क्या किया गया, तो रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्थान का नाम बदलकर मनोहर पर्रिकर रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्थान कर दिया गया है। केंद्र सरकार ने रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्थान का नाम बदलकर मनोहर पर्रिकर रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्थान करने का फैसला कर दिया है। ठीक है, तो इससे यही न्यूज आपके लिए बन जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धनुषकोडी में 50 मीटर ऊंचे प्रकाश स्तंभ के लिए नींव का पत्थर रखा गया। अब धनुषकोडी एक जगह है, वहाँ पर एक प्रकाश स्तंभ बनाया गया, तो नींव का पत्थर मतलब नींव रखी गई है कि यहाँ पर ये बनेगा। ठीक है, 18 फरवरी 2020 को तमिलनाडु के धनुषकोडी में 7 करोड़ रुपए की परियोजना का शिलान्यास किया गया। नेविगेशन की सुविधा के लिए 18 से 20 समुद्री मील 33 से 37 किलोमीटर की सीमा के साथ प्रकाश उपकरण तय किए गए हैं। क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यही बनेगा कि सबसे 50 मीटर ऊंचे प्रकाश स्तंभ की स्थापना किस राज्य में की गई है, तो तमिलनाडु में। तमिलनाडु के किस जगह पर, तो धनुषकोडी नामक जगह पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृदा स्वास्थ्य कार्ड। मृदा स्वास्थ्य कार्ड 5 साल पहले लॉन्च किया गया था, तभी से इस योजना के लाभों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए देश भर में मनाया जा रहा है। PM नरेंद्र मोदी ने 19 फरवरी 2015 को राजस्थान के सूरतगढ़ में मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की शुरुआत की। यह मृदा स्वास्थ्य और इसकी उर्वरता में सुधार के लिए पोषक तत्वों की उचित खुराक पर सिफारिश के साथ साथ किसानों को उनकी मिट्टी की पोषक स्थिति की जानकारी प्रदान करता है। अब मृदा स्वास्थ्य लॉन्च कर दिया गया है, तो इसमें क्या रहेगा, ये मृदा स्वास्थ्य, उसकी उर्वरता, पोषक तत्वों की उचित खुराक और सिफारिश के साथ साथ किसानों को उसकी मिट्टी की पोषक स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त करता है। और इसकी शुरुआत पूछी जा सकती है, मृदा स्वास्थ्य कार्ड की प्रारंभ कब हुआ था, तो 19 जनवरी 2015 को राजस्थान के सूरतगढ़ नामक स्थान से इसका शुरुआत हुई थी और नरेंद्र मोदी ने इसकी शुरुआत की थी, जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं। नेक्स्ट आपका न्यूज़ है, स्टेट ऑफ इंडियाज़ वर्ल्ड रिपोर्ट। अब एक रिपोर्ट दी है स्टेट ऑफ इंडियाज़ वर्ल्ड रिपोर्ट ने, तो देखो क्या रिपोर्ट दी है, स्टेट ऑफ इंडियाज़ वर्ल्ड रिपोर्ट 2020 शीर्षक दम से अधिक संस्थानों और कई नागरिक वैज्ञानिकों के
को एक साथ रखा है, जिसे 17 फरवरी 2020 को गांधीनगर गुजरात में प्रवासी प्रजाति के सम्मेलन के लिए पार्टियों के लिए चल रहे संयुक्त राष्ट्र के 13वें सम्मेलन मतलब कि कोप या CMS 13 सम्मेलन जो हो रहा है। ये भी क्वेश्चन है कि COP 13 सम्मेलन कहाँ हुआ है, तो ये गांधीनगर गुजरात में हुआ। पश्चिमी घाटों में पक्षियों की संख्या जो दुनिया की सबसे अग्रणी जैव विविधता वाले हॉटस्पॉट में मानी जाती है, जो भी 2000 से के बाद लगभग 75 जिनमें 2000 के बाद लगभग 75% की गिरावट आई है। अभी हमने बताई थे कि जैव विविधता वाले जो जगह हैं भारत के अंदर वो कौन कौन सी हैं, तो वो हैं पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट है, इंडो म्यांमार है, परिदृश्य है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। तो ये भी आपको याद रखना, ये क्वेश्चन आ सकता है कि भारत के 4 विविधता हॉट स्पॉट इनमें से हैं। क्वेश्चन दे दिया, इनमें से कोई ऑप्शन दे दिया, उसको आपको करेक्ट करना पड़ेगा। ओके, तो अब बात करेंगे हम स्पेशल नॉलेज की, FATF की। अभी आप देख रहे होंगे अगर न्यूज़ फॉलो करते हैं तो FATF बहुत ही न्यूज़ में चल रहा है, क्योंकि पाकिस्तान को इन्होंने क्या किया है कि ग्रे लिस्ट में ही रखा है। पाकिस्तान ये चाह रहा था कि हम ग्रे लिस्ट से बाहर हो जाएं, पर इनके चांसेस ये थे कि ब्लैक लिस्ट में आ जाएंगे। अब ग्रे लिस्ट में क्या होता है कि इन्हें कुछ जो ऑर्गेनाइजेशन है बड़े बड़े वो लोन दे सकते हैं। अगर ये ब्लैक लिस्ट में चले जाते हैं तो क्या होता है, कोई भी कंट्री अगर ब्लैक लिस्ट में होती है तो उसमें कोई भी बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है बिल्कुल भी इन्वेस्ट नहीं करता, बिल्कुल भी लोन प्रोवाइड नहीं करता है। तो पाकिस्तान बहुत ज़्यादा चिंतित था, तो अब इन्होंने क्या किया, FATF ने उसे ग्रे लिस्ट में ही रहने दिया, ग्रे लिस्ट से बाहर नहीं निकाला है। और अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा ग्रे लिस्ट से बाहर होने वाली कंट्री कौन सी है, तो वो है श्रीलंका। श्रीलंका को ग्रे लिस्ट से बाहर निकाल दिया गया है, तो ये भी एक क्वेश्चन आपके लिए फॉर्म हो जाएगा। अब बात करेंगे FATF की, एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसको हिंदी में कहेंगे वित्तीय कार्यवाही कार्यदल, इंग्लिश में कहेंगे फिनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ठीक है, तो अगर FATF की फुल फॉर्म आती है आपको पता होनी चाहिए, फिनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स होगी। सूक्ष्म में इसको कहते हैं, संक्षिप्त में कहते हैं FATF, ऑन मनी लॉन्ड्रिंग, मतलब कि ये मनी लॉन्ड्रिंग को कंट्रोल करती है। एक अंतर सरकारी ये संस्था है, ये काले धन को वैध बनाने के लिए, मतलब कि अब मैंने बताया ना कि ये मनी लॉन्ड्रिंग होती है, काले धन जैसे जो ब्लैक मनी होती है उसे वाइट मनी को रोकने के लिए संबंधित नीतियां बनाने के लिए इसे 1989 में स्थापित किया गया था। सन 2001 में इसका कार्यक्षेत्र विस्तारित किया गया, आतंकवाद को धन मुहैया कराने के विरुद्ध नीतियां बनाना भी इसके कार्यक्षेत्र में सम्मिलित कर लिया गया। यही कारण है कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखा गया, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि सबसे ज़्यादा जो भी आतंकवाद है वो पाकिस्तान से पनपता है। ठीक है, आतंकवाद को धन मुहैया कराने के विरुद्ध नीतियां बनाना भी इसके कार्यक्षेत्र में सम्मिलित कर दिया गया है। इसका सचिवालय पेरिस स्थित आर्थिक सहयोग और विकास संगठन के मुख्यालय में है। ठीक है, स्थापना इसकी हुई 1989 में। अगर प्रकार पूछा जाएगा तो इंटर गवर्नमेंटल ये ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, उद्देश्य इसका क्या है, कॉम्बैट मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिज्म फाइनेंसिंग। अरे जो अभी हमने बताई दिया, इसका उद्देश्य क्या है कि ये जो भी नीतियाँ बनाता है वो जो आतंकवाद के विरुद्ध बनाता है, और जो मनी लॉन्ड्रिंग होती है, ब्लैक मनी होती है, उसके खिलाफ ये नीतियाँ बनाता है। मुख्यालय अगर FATF का पूछा जाएगा, 100% पूछा ही जाएगा, तो पेरिस फ्रांस में हो जाएगा। सदस्य देश इसके 37 हैं। आधिकारिक भाषा अगर FATF की पूछी जाए तो फ्रेंच और इंग्लिश जो है आधिकारिक भाषा है, मतलब कि ऑफिशियल लैंग्वेज FATF की इंग्लिश एंड फ्रेंच है। FATF की फुल फॉर्म पूछी जाएगी तो आप तुरंत बताएंगे, फिनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। इसका कार्य क्या है, ये मनी लॉन्ड्रिंग को रोकता है और ये जो आतंकवाद को धन मुहैया कराते हैं उसके विरुद्ध इसकी नीतियाँ बनाता है। ठीक है, मुख्यालय अगर पूछा जाएगा तुरंत आप बता देंगे, ये पेरिस फ्रांस में इसका मुख्यालय आ जाता है, आर्थिक सहयोग संगठन के मुख्यालय में। ठीक है, अगर पूछा जाए ये किस प्रकार का ऑर्गेनाइजेशन है, तो ये इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। स्थापना पूछी जाएगी तो आप बताएंगे, 1989 में। ओके, अब बात करेंगे स्टेट की, स्टेट में हम आज बात करेंगे मणिपुर की। ओके, तो मणिपुर की बात करेंगे तो मणिपुर की राजधानी होती है इम्फाल, और सबसे बड़ा अगर शहर पूछा जाएगा तो वो हो जाता है इम्फाल। ज़िले अगर पूछे जाएंगे मणिपुर के अंदर तो 16 होंगे। राजभाषा अगर पूछी जाएगी तो हो जाएंगे मणिपुरी। ठीक है, अगर राजभाषा पूछी जाएगी मणिपुर की तो मणिपुरी बताएंगे। अगर गठन पूछा जाएगा तो आप बताएंगे, 21 जनवरी 1972 में इम्फाल राज्य का
गठन हुआ था, सॉरी मणिपुर राज्य का गठन हुआ था। अभी वर्तमान में राज्यपाल अगर पूछी जाएंगी तो नजमा हैपतुल्ला जो हैं राज्यपाल हैं, मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह हैं जो कि भाजपा पार्टी से आते हैं। विधानमंडल यहाँ की एक सदनीय है, विधानसभा की सीटें जो हैं 60 हैं और राज्यसभा की सीट एक है और लोकसभा की सीट जो हैं 2 हैं। अगर आपसे पूछी जाए जिले कितने हैं मणिपुर में, 16 हैं। राज्यसभा की सीट कितनी है, 1 है। और अगर लोकसभा की सीट पूछी जाएंगी तो 2 हैं। मणिपुर जो है एक भारत का पूर्वोत्तर राज्य है, मतलब कि पूर्व में ये राज्य है। इसकी राजधानी इम्फाल है, सभी को पता है। मणिपुर के पड़ोसी राज्य अगर पूछे जाएंगे तो उत्तर में नागालैंड है, दक्षिण में मिजोरम है, पश्चिम में असम है और पूर्व में इसकी सीमा म्यांमार से मिलती है। म्यांमार को बर्मा के नाम से भी जाना जाता था पूर्व में। यहाँ के मूल निवासी जो होते हैं मेयती जनजाति के लोग होते हैं, यहाँ की घाटी क्षेत्रों में रहते हैं। यहाँ की भाषा मेयती लोन होती है, इसकी जिसे मणिपुरी भाषा भी कहते हैं। यह भाषा 1992 में भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई थी। इस प्रकार इसे एक राष्ट्रीय भाषा का दर्जा भी दे दिया गया है। यहाँ के पर्वतीय क्षेत्रों में नागा व कुकी जनजाति के लोग रहते हैं। मणिपुरी को एक संवेदनशील सीमावर्ती राज्य माना जाता है। अब क्वेश्चन यही बन सकता है, नागा व कुकी जनजाति के लोग कहाँ पर रहते हैं, तो वो रहते हैं मणिपुर में। ओके, और अगर और भी क्वेश्चन अगर मणिपुर से पूछे जाएंगे तो राष्ट्रीय उद्यान पूछा जाएगा तो सिरोही तथा कीवुल लामजाओ जो राष्ट्रीय उद्यान है वो आपको मणिपुर के अंदर मिलेंगे। ठीक है, मणिपुर को 21 जनवरी 1972 को मणिपुर को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया था। और मणिपुर का अगर उद्योग पूछ लिया गया तो हथकरघा जो उद्योग होता है वो वहाँ का प्रमुख उद्योग है। ओके, प्रमुख झील अगर पूछी जाएगी तो मणिपुर की लोकटक झील है और ये कीवुल लामजाओ जो राष्ट्रीय उद्यान है ये एक दुनिया का पहला तैरता हुआ पार्क है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आया हुआ है। ठीक है, अगर वहाँ की परियोजनाएँ पूछ ली जाए तो लोकटक परियोजना सिंगोला तथा थाडवल परियोजना सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण के लिए ये बनाई गई हैं। ठीक है, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान जो है कीवुल लामजाओ है, ये मैंने अभी आपको बता ही दिया। ठीक है, और अगर पूछा जाए कि वहाँ की पर्वत श्रेणी जो है वो कौन सी है तो मणिपुर पर्वत श्रेणी है। अगर पर्वत शिखर पूछा जाएगा तो आप बताएंगे सारावती, सारावती उच्च पर्वत शिखर है वहाँ का। अगर झील पूछी जाएंगी तो आप बताएंगे इम्फाल और इरिल और नाम्बुल झील जो है वो, सॉरी नदियाँ जो हैं इम्फाल इरिल और नाम्बुल जो, ये तो यहाँ की मुख्य नदियाँ, लोकटक झील वहाँ पर है, ये तो हमने आपको बता ही दिया। ठीक है, अगर राजकीय पुष्प पूछा जाएगा तो आप बताएंगे लिली, मणिपुर का राजकीय पुष्प है लिली। राजकीय वृक्ष है टून, टून का जो वृक्ष होता है वो होता है राजकीय वृक्ष। ओके, अगर पशु पूछा जाएगा तो जो थामिन मृग होता है जिसे संगाई भी कहते हैं वो वहाँ का राजकीय पशु है। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें थी जो आपको याद रख लेनी है। ओके, नेक्स्ट आपका है स्टैटिक पोर्शन। स्टैटिक पोर्शन में हम आपको बताएंगे बिहार के बारे में। तो बिहार के बारे में वैसे तो बेसिक नॉलेज तो सभी को होगी कि बिहार कहाँ है, बिहार की कैपिटल क्या है, तो बिहार की कैपिटल पटना हो जाती है। वहाँ के सीएम अगर पूछे जाएंगे तो आप बता देंगे नीतीश कुमार, और अगर राज्यपाल पूछे जाएंगे तो आप तुरंत बता सकते हैं फागू चौहान, ये क्यों इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। और वहाँ पर डॉल्फिन पार्क है जो कहीं भी नहीं है अभी तक राज्य में भारत के अंदर, तो वो है। ओके, और बिहार के वन्यजीव अभयारण्य हम देख लेते हैं। भीमबंध वन्यजीव अभयारण्य जो कि मुंगेर में मिलेगा बिहार के अंदर, गौतम बुद्ध पक्षी विहार गया में है, कंवर झील एवं वन्यजीव अभयारण्य कैमूर वन्यजीव अभयारण्य, नागी बांध पक्षी विहार कैमूर वन्यजीव अभयारण्य, नकटी डैम वन्यजीव अभयारण्य, पंत वन्यजीव अभयारण्य, उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य, वाल्मीकि वन्यजीव अभयारण्य तो कई बार आया हुआ है, विक्रमशिला डॉल्फिन जो कि हम बता रहे थे, विक्रमशिला डॉल्फिन वन्यजीव अभयारण्य जो कि भागलपुर में है, वरेला झील, शाले मच्छी अली पक्षी वन्यजीव अभयारण्य जो है वो आपको बिहार के अंदर मिलेगा, कुशेश्वर स्थान पक्षी वन्यजीव अभयारण्य भी आपको बिहार के अंदर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये तो बिहार से थोड़े जो अभयारण्य थे वन्यजीव अभयारण्य थे वो हमने आपसे बता दिए। ठीक, तो अब एक क्वेश्चन और बन सकता है कि जो
गंगा की सबसे बड़ी जो सहायक नदी है बिहार के अंदर, तो वो कौन सी है? वो है बूढ़ी गंडक उसे कहते हैं। और बिहार का शोक किसे कहते हैं? तो कोशी नदी को बिहार का शोक कहते हैं, बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहते हैं। तो ऐसे करके आपको याद रखना है। बिहार की अगर विधानसभा पूछी जाएगी, विधानमंडल पूछा जाएगा, तो वहाँ पर विधानमंडल होता है द्विसदनात्मक, ओके। और विधानसभा के सदस्यों की संख्या होती है 343, ओके 343। अगर वहाँ पर पूछी जाए कि विधान परिषद में कितने सदस्य हैं, तो 75। हालांकि नहीं पूछा जाएगा, लोकसभा, राज्यसभा और जिला पूछे लिए जाता है। तो जिला अगर पूछ लिए जाएंगे बिहार के, तो वो है 38। और अगर पूछ लिया जाए कि राज्यसभा की सदस्यों की संख्या कितनी है, तो वो है 16, ओके। और लोकसभा की सदस्य की संख्या है 40। तो ये सब बातें हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो आपको याद रखनी है। लिंगानुपात अगर जरूर याद रखिएगा, 918 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष पर बिहार के अंदर आपको मिलेंगी। और जनसंख्या घनत्व तो आपको बहुत ही अच्छे से याद रखना है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो लिंगानुपात है 1106 व्यक्ति रहते हैं प्रति वर्ग किलोमीटर में, ओके। विभाजन अगर पूछा जाएगा तो 31 अक्टूबर 2000 को इसका विभाजन हुआ था, ओके। और अगर पूछ लिया जाए यहाँ पे संग्रहालय कौन कौन से हैं, तो मुगल और राजपूत वास्तुकला का सम्मिश्रण है। और एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट मेरे याद आ रहा है, सोनपुर का मेला जो सबसे बड़ा पशु मेला होता है, वो बिहार के अंदर ही मिलता है, ठीक है। और अगर परियोजना पूछी जाएंगी, तो गंडक परियोजना वहाँ पर जो है वो मुख्य परियोजना हो जाती है। तो ये सब चीज़ें थी जो आपको याद रखनी है। और गया से आपको याद रखना बोधगया, जहाँ पर गौतम बुद्ध जी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। राजकीय पशु रीछ है यहाँ का, राजकीय पक्षी जो है फाख्ता है, फाख्ता, ठीक है। वन क्षेत्र अगर पूछा जाएगा, तो 2.9 मिलियन हेक्टेयर में बिहार का वन क्षेत्र जो है फैला हुआ है। अब बात करेंगे एग्जाम ओरिएंटेड 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर, 10 से ज़्यादा ही होंगे आज। कारिका मात्रक क्या होता है? तो कारिका मात्रक होता है जूल। प्रकाश वर्ग मात्रक होता है दूरी का, ठीक है। ल्यूमेन किसका मात्रक है? ज्योति फ्लेक्स का। क्यूरी किसकी इकाई का नाम होता है? तो रेडियो धर्मिता का। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? तो द्रव्यमान। जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव हो जाता है? तो तृतीय नियम के कारण। रॉकेट की कार्य प्रणाली जो है किस सिद्धांत पर आधारित होती है? तो जो संवेग संरक्षण प्रणाली होती है, सिद्धांत होता है, उस पर रॉकेट की कार्य प्रणाली जो होती है आधारित होती है। अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे, तो अश्वारोही के गिरने की आशंका का कारण क्या होगा? विश्राम जड़त होगा। कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ी से पीटा जाए, तो उसे कौन सा नियम लागू होता है? तो गति का पहला नियम जो है लागू होता है। समुद्र में प्लवन करते आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है? तो 1/10 जो भाग होता है वो ऊपर रहता है। कभी आपने देखा होगा शरबत वगैरह पीते टाइम पे, गिलास सोच लीजिए, ये गिलास है, अच्छा सा नहीं बना, ठीक है। ये पानी भरा हुआ है, यहाँ पर ये आइस क्यूब है। तो आइस क्यूब आप देखेंगे तो इतना तो बंद रहता है, पानी के अंदर दबा हुआ रहता है, ऊपर इतना तैरता रहता है। तो यही जो 1/10 जो भाग होता है वो हमेशा ऊपर रहता है पानी के। प्रकाश वोल्टेज सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने के किसका उत्पादन होता है? जो प्रकाश वोल्टेज सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करते हैं, उससे प्रकाशीय ऊर्जा का उत्पादन होता है। स्वचालित वाहनों में द्रवचालित ब्रेकों का इस्तेमाल वस्तुतः किस नियम का सीधा अनुप्रयोग है? तो वो है पास्कल का नियम। जब दूध को प्रबल ढंग से मथा जाता है, तो उसमें से क्रीम किस कारण से अलग हो जाती है? तो वो होती है अपकेंद्री बल के कारण। जेट इंजन किसके संरक्षण पर कार्य करता है? तो रैखिक संवेग के। नेक्स्ट आपका लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा, किसी तुल्यकारी उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है? तो वो होती है 36,000 किलोमीटर। तो ये था हमारा आज का करंट अफेयर स्टैटिक जीके जीएस के साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए, जिससे जो भी वीडियो अपलोड हो उनकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए और आप अपनी तैयारी को बूस्टअप कर सकें। PDF ज्वाइन करने के लिए आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और आपको हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर लेना है। आप टिकटॉक और हेलो ऐप यूज करते हैं तो वहाँ पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। शेयर चैट डेलीमोशन पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, ट्विटर पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। ऑडियो क्लिप सुनने के लिए वहाँ पर तो आप कर सकते नहीं, वहाँ कर ही लीजिए, आपको बहुत ही बेनिफिट होगा।
खबरी चैनल पर आप हमारा ऑडियो क्लिप सुनकर वहाँ से रिवीजन कर सकते हैं जो भी न्यूज़ेस है, तो इसलिए आपको खबरी चैनल को फॉलो भी कर लेना है और वहाँ से ऑडियो क्लिप सुननी भी है। ओके, हर जगह हर प्लेटफॉर्म पे आपको हमारा जो अकाउंट है तैयारी बिगनर्स की के नाम से प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो अब इसी के साथ क्या है कि अपना और अपने परिवारजनों का ख्याल रखिए और आगे बढ़ते रहिए, निरंतर प्रयास करते रहिए, छोटा छोटा बदलाव कीजिए अपने आप में और देखिएगा कि एक दिन आप बहुत अच्छा अचीवमेंट हासिल कर लेंगे। और अपना सपनों का ख्याल बहुत ज़्यादा रखिए, क्योंकि सपनों का ख्याल नहीं रखेंगे आप तो आप अपने मुकाम तक बहुत मुश्किल से पहुंच पाएंगे। इसलिए अपना और अपने सपनों का ख्याल रखिए और हमेशा मन में जुनून रखिए, हासिल कर लेंगे मुकाम अपना, तभी चैन से बैठेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।